कि पहली गल के चोरों नूं सद्दा देना ही नहीं चाहिए। पंजाब की तबाही इन्होंने की है, कांग्रेस वाले ने दुश्मनी रज के कमाई पंजाब नाल, अकाली भाजपा ने रज के गदारी की है पंजाब दे नाल। पंजाब तो मेहरबानी करके तो तुम दिल्ली सब कुछ अगे पानी भेजे उधर उधर ही चले जाओ, पंजाब का खैड़ा छोड़ो। लोगों ने भगवंत मान को दिता ही मौका, वो इन चोरों ने फिर लिया के स्टेज पर मारिया। जजां दे घरां विच कुत्ते लोगों दी लाशां खिंची फिरदे सी, उन्हां नूं कोई चेता नहीं आया सुते हुए सी। पंजाब की जवानी मारी जा रही है, पंजाब की किसानी मारी जा रही है, पंजाब की आर्थिकता तबाह हो रही है, बेदमियां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दी हो रही ने, कोई न्याय नहीं मिल रहा किसी पासों, दरवाजे बंद ने सारे। सीएम साहब वालों सदा पत्र दिता गया, पर बड़े दुख की गल आ कि किसी नूं अंदर ही नहीं जान दिता जा रहा। और जिहड़ियां गड्डियां खड़ियां ने, देखो जे कोई गल करदा मेरे वर्गा तां गड्डी च सिट के उहनूं नाल नाल ही लै जांदे। जिहड़ा इस प्रोग्राम दे कोई खिलाफ गल करदा जां कोई होर आ, आ तुहाडे सामणे खड़े ने मुलाजम, तुहानूं मीडिया वालिआं नूं नहीं अंदर जाण दित्ता गया? जिहड़े डांगां वाले खड़े ने इहनां नूं उत्तों डायरैक्शनां ही उही ने कि जिहड़ा कोई बंदा तुहानूं दिंदा उहनूं इत्थों इत्थों ही फड़ लैणा। की इस गल दी आ वी हज़ार बंदे दी अंदर बैठण दी कैपेसिटी आ, ते सदा असीं सारी पंजाब नूं दे रहे हैं। क्योंकि पहला 70 साल बादलां ने ते और कैप्टन ने पंजाब नूं वेचिया वा, कुटिया वा, लुटिया वा। कांग्रेस भी और बादल भी दोनों चोर आ, जिहड़ा चोर आ वह नहीं आया भी, जे वह सच्चे सी अज आउंदे। कैप्टन ने कहा जिन्ना पानी जांदा वह जांदा रहूगा, क्यों जांदा रहूगा? जे वह चोर ना होंदे तो अज आण के गल करदे इत्थे, अज दस दे। मैं हरमन कुलार अज पहुंच चुकी हाँ इतने लुधियाना खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी विखे, जिथे सीएम मानदेव वालों महाडिबेट का सद्दा दिता गया सी। दिग्गज चेहरिया नू विरोधी पार्टिया नू सद्दा दिता गया सी कि पंजाब दे अहम मुद्दों से आके बहस की जाए, पर जिहड़े दिग्गज सियासतदान ने ओह दिख नहीं रहे। तो जिहड़ी यह महाडिबेट का सद्दा दिता गया सी, इस नू लैके विरोधी धिरां ने पहला भी वड्डे सवाल खड़े किए सी कि जिहड़ा सीएम मान दे वल्लों इस महाडिबेट का सद्दा दिता गया, इसका जिहड़ा एजेंडा है उन्होंने किते ना किते है वह सिरे नहीं चढ़िया, उन्होंने पसंद नहीं आया। तो कह सकते हैं कि ये कहा जा सकता है कि सीएम मान दे वल्लों जिहड़ी डिबेट रखी गई सी, जिहड़े विरोधी धिर दे वड्डे चेहरे ने उन्होंने सामने आने लिए कहा गया सी, क्योंकि गैर रस्मी तरीके दे नाल ट्वीट के जरिए फेसबुक के जरिए किते ना किते हमेशा ही दूषणबाजी है जिहड़ी एक दूजी पार्टी ते वेखण नूं मिलदी रहिंदी है। तो सीएम मान ने कहा सी कि जिहड़ा एक प्लेटफॉर्म है वह तुहानूं दवांगा, उस प्लेटफॉर्म ते आके जिहड़े भी विरोधी ने वो आके सवाल भी कर सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं। तो तुहानूं तस्वीरां एक बार दिखा देंदे आ इत्थे यूनिवर्सिटी दे बाहर दियां, जिथे कि इस वक्त जिहड़ी पुलिस की हलचल वेखण नूं मिल रही है काफ़ी ज़्यादा, पर जिहड़े दिग्गज सियासतदान वेट किया जा रहा है, पंजाब दियां निगाहां जिहड़ियां टिकियां होईयां ने इस वक्त कि किते ना किते जिहड़े विरोधी धिर दे खास चेहरे ने जिवें कि सुनील जाखड़, प्रताप बाजवा ते राजा वड़िंग, वह किते ना किते आउणगे, पर इत्थे पुलिस की हलचल पूरी वेखण नूं मिल रही है ते जिहड़ा माहौल है काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हो चुकिया है। सीएम मान दे वल्लों जिहड़ी इह डिबेट का सद्दा दिता गया है, हालांकि विरोधी धिर सवाल भी कर रही है कि किते ना किते पुलिस काफ़ी ज़्यादा वेखण नूं मिल रही है, पर वड्डी गल तां इह है कि सीएम मान ने कहा है कि जिहड़ी इह सिक्योरिटी दिती गई है इह उन्हां लई दिती गई है जिहड़े विरोधी धिर दे खास चेहरे इस वक्त पहुँचण वाले ने महाडिबेट दे विच। पर तुहानूं इत्थे इक वड्डी जानकारी दे दिंदे आ कि सीएम मान दे वल्लों कुछ कु दिन पहला कहा गया सी, कुछ धिरां नूं कहा गया सी कि किते ना किते विरोधी धिरां डर चुकिया ने ते ओह जिहड़े मंच है मंच सजा दिता गया पर पहुँच नहीं रही। तो कुछ अजे ही वेखण नूं मिले, सब तो पहला गल करदे आ सुनील जाखड़ दी, तां उन्होंने कहा सी कि मेरी पूरी तैयारी है जिवें कि असीं तुहानूं दस्सिया ही सी, पर वह भी इत्थे नज़र नहीं आ रहे। तो वड्डी गल तां इह है राजा वड़िंग भी हुण नहीं आउणगे, उन्होंने कहा कि मैं इस डिबेट का हिस्सा नहीं बणांगा। तो नाल ही सुखबीर बादल की जेकर गल की जाए तो उन्होंने भी कुछ खास इस महाडिबेट का एजेंडा पसंद नहीं आया, हालांकि भुंदड़ दे वल्लों इह कहा गया सी कि जिवें ही डिबेट रखी जाएगी उसदे खास खास
एजेंडे होणगे। प्रोफेसर चंदू माजरा ने कहा सी कि एक दिन पहला आके इस महाडिबेट का एजेंडा फिक्स किया जाए, पर आम आदमी पार्टी सरकार दे वल्लों मौजूदा सरकार दे वल्लों किसी भी तरीके का प्रतिक्रम नहीं देखने को मिलिया। तो कि ये कह सकते हैं कि जिहड़ियां विरोधी धिरां ने, तो सुनील जाखड़ जी ने, जी हाँ साढ़े नाल मौजूद ने एक शख्सियत, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर तो जानने की कोशिश करांगे कि इस वक्त पंजाब दे केड़े अजिहे मुद्दे ने जिहड़े डिबेट का हिस्सा होना चाहिए ने। मैं सरबजीत बिरदी, पंजाबी गीतकार ते साहित्यकार, ते असीं भी शामिल होने लई आए सी। सीएम साहब वल्लों सद्दा पत्र दिता गया, पर बड़े दुख की गल आ कि किसी नूं अंदर ही नहीं जाण दिता जा रहा। जे किसी नूं असीं अंदर ही नहीं जाण देना, फिर इहो जिहे प्रोग्राम रखण का की फायदा। जे असीं पंजाब का भला चाहुंदे आ तां सानूं चंगे बुलारे, चंगे सोच रखण वाले जिहड़े पंजाब दा भला चाहुंदे आ, उन्हां लोकां नूं जरूर अंदर जाण देना चाहीदा। और मैं तां दूजी वारी नहीं कहा, एक नंबर ते जाओ जी, दो ते जाओ, तीजे ते जाओ, चौथे ते जाओ, उदों बाद असीं इत्थे खड़े हाँ जी। जथेबंदियां तुहाडे सामने धरना ला के बह गईआं, और जिहड़ियां गड्डियां खड़ियां ने, देखो जे कोई गल करदा मेरे वर्गा तां गड्डी च सिट के उहनूं नाल नाल ही लै जांदे आ जी। एक मिनट, बिल्कुल तुहानूं इक वड्डी ब्रेकिंग दे रहे हां कि जिहड़ी जथेबंदी पहुंची सी गेट दे बाहर, तां इक शख्स दी गिरफ्तारी कीती गई है इस सारे हंगामे दे विचकार। इस वक्त यूनिवर्सिटी दे बाहर दा माहौल बहुत ज्यादा भखिया होया है, पुलिस दी हलचल नजर आ रही है, तां गिरफ्तारी होई है। जानने दी कोशिश करदे आ कि किन्हां दी गिरफ्तारी होई है इस हंगामे दे विचकार, क्योंकि जदों सीएम मान दे वल्लों इह कहा गया कि खुली बहस होवेगी तां पंजाब दा कोई भी उस दे विच जिहड़ा सिख चेहरा उह आ सकदा सी, पर फिर भी उस दे बावजूद क्यों गिरफ्तारी पाई गई है, जानने दी कोशिश करदे आ बाहर उमड़ी हुई पब्लिक तो जो कि गेट दे बाहर इस गिरफ्तारी दा विरोध कर रही है। जी हाँ, ये कोई मेरी कल की नहीं, जान किसी होर की नहीं, बहुत सारे लोग जेड़ा भी कोई गल करता, जेड़ा इस प्रोग्राम के कोई खिलाफ गल करता जां कोई होर आ, थोड़े सामने खड़े ने मुलाजम। हुण मीडिया वाले नूं नहीं अंदर जाण दिता गया, जे मीडिया नूं नहीं अंदर जाण दिता दसो मीडिया कित्थों आऊगा जी। बिल्कुल, सुनील जाखड़ दे वल्लों कहा गया सी कि जेड़ा मीडिया है उसनूं इजाजत होनी चाहीदी है। ते बिक्रम सिंह मजीठिया दी गल करदे आं, बिक्रम सिंह मजीठिया दे वल्लों इह कहा गया सी कि मीडिया नूं अलाउड होना चाहीदा, लोकल मीडिया अलाउड होना चाहीदा है, जिद्दर मर्जी नूं कैमरे लान, सारा कैप्चर करन, ते जेकर पब्लिक तक गल ही नहीं जानी तां अजिही महा डिबेट दा वी की फायदा है। ते जानन दी कोशिश करदे आं कि किन्हां दी गिरफ्तारी होई है ते किहड़ियां मंगां लै के उह इस गेट दे बाहर बैठे सी। देखो जी, मंगा तां SYL दा मुद्दा, मुद्दे जिहड़े पंजाब दा भला चाहुंदियां ने जथेबंदियां, तुहाडे सामने ही आ। देखो होर भी जिहड़े कई लोग मैं इत्थे देखे आ, जिवें सवेर दे इत्थे शामिल होण लई आए आ, पर उह इत्थों ही गड्डियां तों वापस हो गए। जिहड़े डांगां वाले खड़े ने, इहनां नूं उत्तों डायरैक्शनां ही उही ने कि जिहड़ा कोई बंदा तुहानूं दिंदा उहनूं इत्थों इत्थों ही फड़ लैणा। आ देखो तुहाडे सामने गड्डे बसां दे विच सिट्टे आ, हुणे लेडीज़ भी सिट्टियां ने, बंदे भी सिट्टे आ। ते पर जथेबंदी नाल संबंध रख, मैं साहित नाल संबंध रखदा जी, पंजाबी गीतकार मंच लुधियाणा, ते मेरा विशा राजनीति नहीं है, पर सारियां राजनीतिक पार्टियां जिहड़ियां पंजाब दा भला चाहुंदियां ने उहनां नूं इहदे विच शामिल होना चाहीदा सी। पर मैं हैरानगी इस गल दी आ वी हजार बंदे दी अंदर बैठण दी कैपेसिटी आ, ते सदा असीं सारी पंजाब नूं दे रहे हां। बिल्कुल, 8 करोड़ दी सर, 8 करोड़ दी घट्टो घट्ट तकरीबन आबादी दा जिहड़ा है अपना यह स्टेट है, ते जिहड़ी बैठन दी जगह ओह तकरीबन 1000 बंदे दी है। तां किवें मैं पंजाब बोलदा हाँ जिहड़ा टाइटल है ओह किवें सक्सैसफुल हो सकदी है यह डिबेट जद 1000 बंदा जुड़िया होवे। तां हुण असीं तुहानूं तस्वीरां होर भी दिखा रहे हां, लै चलदे हां जिन्हें भी इत्थे गेट दे बाहर जिन्नी भी इत्थे पुलिस बैठी है, ते ओह सीएम मान दे जिहड़ी है निर्देश ने उन्हां दा पालन कर रहे ने। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹੇ ਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਦਿੱਤਾ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤਾਂਬਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 73% ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ 1952 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ 27% ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ 15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਸਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਵਾ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ ਲੁੱਟਿਆ ਵਾ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਰੋਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ 19 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਲੁਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੋਰ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ 40% ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਦੋਨੇ ਚੋਰ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਔਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਦੋਨੇ ਚੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੀ ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਵਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਉਹ ਚੋਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀ ਹਾਂ ਵਾਹ ਔਰ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਈ ਉਹਨੂੰ 1-2 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਮਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਦਫਾ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ
इन्हां तों हाथ जोड़ने चाहिए, इन्हां सद्दा नहीं देना चाहिए सी। कह ये भगवंत मान ने बहुत वड्डी गलती की आ, लोगों ने भगवंत मान नूं दित्ता ही मौका, वह इन्हां चोरां नूं फिर लिया के स्टेज पर भारिया, ये गलत फैसला है। असी इस गल दे हक च वी बिल्कुल नहीं आने चाहिए, आपे ही नहीं आ रहे, बहुत चंगा होया। जिमें के एक प्लेटफॉर्म से सारी जी सियासी धिर ने वो कट्ठिया होने वाली सी, एक पंजाब दे विच जी बदलाव की नीति के तहत तो आए थे, उन्होंने कहा कि बदलाव देखांगे, तो की मानते हो भी बदलाव हो सकता सी जे ये जी डिबेट है हो जाती, जे विरोधी आ जाते, क्योंकि उन्होंने बिना डिबेट नहीं होनी। अज मसला है पानिया का, पानिया के मामले के उत्ते उन्होंने जोड़ा सुप्रीम कोर्ट तो या जितों भी फैसला कराया, ये आपां नूं सब पता है कि जे सुप्रीम कोर्ट बिना किसी कहे तो भी वो अपने आप ही भी कई बार एक्शन ले लेंदे आ, ते कई बार कोई मिनटां कढ़दा रहिंदा उहदी गल भी नहीं सुनदे। ये हालत है सुप्रीम कोर्ट के सामने, असीं दिल्ली च कतलेआम चला नवंबर का दिन जा रहे वेख चुके हैं, जजां दे घरां विच कुत्ते लोगों दीआं लाशां खिंची फिरदे सी, उहनां नूं कोई चेता नहीं आया, सुते हुए सी। ये सब कुछ पंजाब दे नाल धक्के हो रहे हैं, पंजाब का पानी खोया जा रहा है, पंजाब की जवानी मारी जा रही है, पंजाब की किसानी मारी जा रही है, पंजाब की आर्थिकता तबाह हो रही है, पंजाब के उत्ते जुल्म हो रहे हैं, और बेदमियां गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह दी हो रही ने, कोई न्याय नहीं मिल रहा किसी पासों, दरवाजे बंद ने सारे। कुछ सियासी धिरां दा कहना कि ये ड्रामेबाजी का जड़ा है वरतांत इकर सिरजिया गया है, तुहाडा की कहना? मेरे ख्याल में यह है कि जिन्हां बंदा नूं लोकां ने ऐंती नकार दिता सी वो खैड़ा छड़ जांदे, पर वो रोज़ बयान ना देई जांदे आ, बयान देई जांदे आ, आखिर तक इन्हें फिर उन्हां नूं जवाब मिलना ही सी, मिलना चाहिए सी, और वो आपे ही नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया जी। तुहानूं इस वक्त असी गलबात दा राबता जिहड़ा कायम कीता है, इस वक्त जिहड़ी जत्थेबंदी है गेट दे बाहर बैठी सी, तां एक पासे जिथे जिहड़े दिग्गज सियासतदान ने विरोधी धिरां ने ओह नहीं आईआं, तां जिहड़ी इस वक्त जिहड़ी जत्थेबंदी बैठी है गेट दे बाहर, तां उहनां दा वी इही कहिणा है कि जिहड़े ओपोजिशन है जिवें कि सुखबीर सिंह बादल ने, एक वड्डा चेहरा ने, सुनील जाखड़ ने, राजा वड़िंग ने पहले ही आउण तों मना कर दिता है, तां इहदे विच तां उहनां दा फायदा ही होया। हुण वेखण वाला होवेगा, हो सकता है कि एट अ टाइम जिहड़ा है किसी का जिहड़ा फैसला है बदल जाए, कि सुनील जाखड़ आ जाण या फिर राजा वड़िंग आ जाए। फिलहाल तो जिहड़े उन्होंने गैर रस्मी तौर दे नाल इह क्लीयर कर दिता है कि ना तो राजा वड़िंग आने वाले ने, ना सुनील जाखड़ आ रहे ने, ना सुखबीर सिंह बादल आ रहे हैं। तो एक पासे जिथे सीएम मान ने कहा सीगा कि विरोधी धिरां डर चुकिया ने, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस भी हुई, अकाली दल ने कहा सी कि असीं नहीं डरदे, पर हुण जिहड़ियां तस्वीरां सामने आईआं ने कोई दिग्गज सियासतदान नहीं आ रहा, तो इसनों की समझा जाए? तुसीं कमेंट सैक्शन में दसना बिल्कुल ना भुलना कि इहनूं की समझा जाए कि जिहड़ियां विरोधी धिरां ने किसी मान दे चैलेंज तो डर चुकिया ने, कि जिहड़ी निगाहां पंजाब दीआं टिकियां होईआं सी कि एक प्लेटफॉर्म ते सारियां धिरां इकट्ठियां होणगीआं, पड़चोल होवेगी, एक कह सकते हैं मंथन होगा पंजाब के गंभीर मुद्दों का, पर फिलहाल यह पब्लिक नूं इंतजार करना पवेगा जब तक कोई भी विरोधी धिर का खास चेहरा इत्थे नहीं पहुँचता, क्योंकि जदों भी डिबेट हुंदी है तां विरोधी धिरां दे बड़े चेहरे नाल हुंदी है, पर अजे तक कोई भी इत्थे नज़र नहीं आया, तो यह हुण वेखना होगा कि डिबेट किन्नी कु सक्सैसफुल हुंदी है, क्योंकि इसनों कई विरोधी धिरां ने कहा है कि जड़ा कॉमेडी जिमें कि सुनील जाखड़ ने कहा कि जड़ा है रचिया गया बिरतांत कॉमेडी का ड्रामेबाजी का, तो हालांकि उन्होंने जड़ी है यूनिवर्सिटी जड़ी है खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी चुनी है सीएम मान ने, उन्होंने कहा कि जड़ा टैगोर थिएटर है ना चुनो, क्योंकि उत्थे ड्रामेबाजी हुंदी है, पर इत्थे मुद्दों की गल करन दे लई कोई ना कोई आ सकता सी, फिलहाल वेखन नूं नहीं मिलिया। तो तुसीं चढ़दी कला टाइम टीवी के जरिए मैं तुहाडा तस्वीरां शेयर कर रही हाँ, तुसीं बने रहो, तुहानूं दिखावांगे अगे दीआं तस्वीरां कि कोई इत्थे आउंदा या फिर नहीं, क्योंकि डिबेट सक्सैसफुल करन दे लई किसे वड्डे चेहरे दा आना बहुत ज़्यादा जरूरी बन जांदा है।